Assalamualaikum everyone, welcome back to your English class. So what were we doing last time? We were doing the verbbook working of our poem. Which poem? An action poem. Sahi? So what are we going to do today? We are going to do another page of our verbbook. So shall we start? First of all, come on page number 4 of your verbbooks. Write down date and day. What is day today? 1st July 2020. And what is day? Wednesday. Okay, now read the question. Match the words with exact picture. What you have to do in this? You have to match these words with the exact picture. यहाँ पर आपको कुछ words दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ pictures. अब आपको पहले वर्ड्स पढ़ने हैं और उन वर्ड की मीनिंग के हिसाब से मैच करते जाना है, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ वर्ड क्लैप, ठीक है? क्लैप का मतलब क्या होता है? तालियां बजाना, हमने पढ़ा था ना. सो अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स चेक करनी है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल तालियां बजाने के लिए कौन सी पिक्चर है. मतलब ऐसी कोई पिक्चर है जहाँ तालियाँ बजाई जा रही हूँ? Yes, we have these two hands. ठीक है? So what does that mean? हमें word clap को और इस picture को match कर देना. We have to match these two. Alright. Take another example. Like the first word pat. ठीक है? Pat का मतलब हमने क्या पढ़ा था? थपथपाना हल्के से. जब हम कोई अच्छा काम करते हैं या अच्छे grades लाते हैं तो हमें teacher या फिर हमारे मम्मी पापा थपथपाते हैं ना, हमारे कमर पे हल्का सा पैट करते हैं ना. इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी पिक्चर नज़र आ रही है? कोई ऐसी पिक्चर जिसमें कोई किसी को थपथपा रहा हो? यस, वी हैव दिस पिक्चर. ठीक है? दिस बॉय एंड अ डॉग. ये यहाँ पे बॉय इस डॉग को थपथपा रहे हैं ना प्यार से. सो व्हाट डज दैट मीन? कि वी हैव टू मैच दीज टू. ऑलराइट. इसी तरह स्पिन का मतलब क्या था? स्पिन का मतलब घुमाना. अब इस पिक्चर में नोट करें कि आपको कोई ऐसी चीज़ है जो घूमती हुई नज़र आ रही हो. Yes, we have this top. ये top घूम रहा है ना. So we have to match these two, spin and this top. Next one we have chase. Chase का मतलब क्या था? पीछा करना. सो अब आपको इस पिक्चर में नोट इन पिक्चर्स में से नोट करना है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो किसी को चेज कर रही हो, तो फिर आपने उसको उससे मैच कर देना है. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव स्टेप. अब आपको इन सब पिक्चर्स में से सूटेबल पिक्चर देखनी है जो स्टेप के लिए हम यूज़ कर सकें, ठीक है? सो अब आप खुद नोट करेंगे, ठीक है? क्लैप हो गया. नाउ कैच अप बटरफ्लाई. ये तो बहुत इजी, ये तो सबसे ज़्यादा इजी है. सो एज आई हैव डन दीज टू, जिस तरह मैंने ये मैच करा है वर्ड को अप्रोप्रिएट पिक्चर के साथ, उसी तरह आपको सारे वर्ड्स करने हैं कंप्लीट. ऑलराइट.